तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेफ्टी रूम की ना दीवारें लगना शुरू हो गई हैं। ये देखें यहाँ से लेकर वहाँ तक, नहीं यहाँ नहीं बनी सॉरी, ये नीचे हैं थोड़ी सी, तो इनको हम यहाँ तक लाएंगे, उसके बाद इसकी छत बन जाएगी और हमारा सेफ्टी रूम तैयार हो जाएगा। बाकी अंदर लाइटिंग वगैरह और बाकी जो जो मतलब चीज़ें ज़रूरत होंगी हम लगवाएंगे इंशाल्लाह। जब हमारा सेफ्टी रूम बन जाएगा ना, उसके बाद हम बाकी जानवर भी लाना शुरू कर देंगे, बाकी जानवरों के जो है ना केजेस वगैरह या उनके घर बनाना शुरू कर देंगे। तुराब और वहाँ भाई शेर के पास खड़े हैं हमारे, नोट किया है यार क्या इसके फेस पर स्वेलिंग है? हाँ मैंने सुबह देखा था, अब थोड़ी ज़्यादा हो रही है। मुझे अगर दर्द होता ना, ये चीख रहा होता दर्द से या बैठा होता एक जगह पर, खड़ा ना होता। ओहो यार क्या हो गया, अभी तो इसको दूसरा दिन है और अभी से हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं है इसके साथ ऐसे कोई बीमारी वगैरह का। इससे पहले हमने कोई डॉग वगैरह भी नहीं पाला, हमें आइडिया नहीं है। तो ये शेर है, इसको पता नहीं यार क्यों हुआ होगा ऐसा। मुझे इसकी जगह पे शक हो रहा है दोस्तों, जो हमने ये बरादा डाला था ना, इधर कुछ ऐसा मुझे लगता है इसमें कोई कीड़ा वीड़ा होगा जिसने इसको काटा होगा रात को, ऐसा हो सकता है ना। यू करते हैं यार सत्यार, इधर ना आग लगा देते हैं, ठीक है? अच्छा, नमी भी खत्म हो जाएगी सारी की सारी इसमें, हाँ, और जो कीड़े मकोड़े होंगे वो भी मर जाएंगे। अच्छा आइडिया, वैसे यही करते हैं, यही करते हैं आज, लेकिन शाम को करेंगे, अभी उसको खाना दो। और आज यार इसका नाम भी डिसाइड करना है हमने कि क्या नाम रखना है अपने शेर का। ओ हो 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 हो। तो अभी दोस्तों हम अपने ना लायन को उसकी खुराक देते हैं, चिकन डालते हैं, क्योंकि हमने ना इसकी डाइट का एक टाइम रख लिया है, यहीं 2:30 बजे दोपहर के। सुबह नहीं डाला करेंगे और रात को भी नहीं डाला करेंगे, दोपहर के टाइम डाला करेंगे, क्योंकि 24 घंटों में सिर्फ एक दफा इनको डाइट देनी होती है, बार बार नहीं देनी होती, सिर्फ एक दफा। तो आप जो है ना चिकन ले आया है हमारे शेर के लिए, ये देखें इसको पता चल गया कि भी खाना मिलने वाला है, इसके जो है ना एक्सप्रेशन बता रहे हैं। चलो भाई, हाँ ये लो भाई खाओ, पहले रखो ना। नहीं नहीं, दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। चलो भाई ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। हाँ ये है आधा किलो और इसमें है किलो, डेढ़ किलो गोश्त दे रहे हैं भाई आज इसको, एक साथ दे रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, किलो देते थे, आधा किलो बाद में, लेकिन अभी पूरी डाइट इसको एक साथ दे देते, फिर कल इसी टाइम देंगे। ये देखें अभी ये खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तकरीबन 2 मिनट में इसने 1.5 किलो गोश्त खा लिया है, यानी कि इतना स्पीड में ये खाते हैं, और अभी भी और मांग रहा है, लेकिन इसको ज्यादा नहीं देना, ओवर ईटिंग की वजह से इसका पेट भी खराब हो सकता है। तो जितना जरूरत था इसको इसने खा लिया है, बाकी इसको कल इसी टाइम देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? आज ना सुबह के टाइम दोस्तों हमने बकरियों को 2 किस्म का घास डाला था, ये है बरसीन और ये है वो माली वाला घास। बरसीन तो इन्होंने बहुत शौक से खाई है, ये भी बहुत शौक से खाया है, मतलब ये हुआ दोस्तों कि इनको अब दोनों घास जो मिलेंगे ना अपने मनपसंद घास मिलेंगे, क्योंकि अब सीजन आ चुका है दोस्तों, बरसीन आराम से मिल जाती है। पहले क्या था दोस्तों, बरसीन उस टाइम मार्केट में नहीं आई हुई होती थी क्योंकि सीजन नहीं था, अब सीजन आ चुका है, बरसीन हमें आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने बरसीन रखी थी दोस्तों, क्या हुआ कि यहाँ पर भी हमला कर दिया बकरियों ने, क्योंकि खुली हुई थी ना बकरी सारे परिंदे, तो क्या हुआ नीचे था ये जंप कर देता है। ओहो यहाँ पर बैठा होता है और जब इसका दिल करता है उड़ने का फैलाने का, नीचे जंप कर देता है, गिर जाता होगा, जंप नहीं करता होगा। चलो अभी इधर बैठा रहा, ठीक है? तो यार वो बरसीन सारी की सारी बकरियां खा गए जो हमने थैले में रखी थी। कैसे खा गई, मतलब वो उसमें थी ना, वो खा गई खोल गई जैसे कैसे। अब एंडा क्या करेंगे दोस्तों, हम जो बरसीन है ना उसको इधर रख दिया करेंगे, यहाँ पर भी पहुँच गई है क्या यार, यहाँ पर दाना रखा हुआ है दोस्तों, देखें अब मर रही है खाने के लिए। हट जाओ जाओ भाई, यार सिपाही इधर आओ यार, और माइलो और सुनो ये अंदर फंसे हुए हैं। आओ भाई बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो अभी दोस्तों हम ना अपने परिंदों को दाना डाल देते हैं और अपनी बकरियों को भी दाना डाल देते हैं, इनको गोटफा में बंद करते हैं और बाकी परिंदों को यहाँ पर खाना डालते हैं। जू ही दोस्तों मैंने खोला है, माइलो और स्नो अपनी माँ के पास आ गए हैं दूध पीने के लिए, पता नहीं यहाँ पर कब से बंद हुए पड़े थे, मुझे तो पता नहीं था, मैंने अभी देखा तो अभी उन्होंने दूध पी लिया है, और कुछ टाइम के बाद फिर जब दूध बनेगा ना ये खुद बखुद अपनी माँ के पास चले जाएंगे और माँ इनको दूध पिलाएगी।
ये काफी भाई कमेंट्स कर रहे थे, भाई जो आपकी बकरी है ना ये बहुत जल्द बच्चे देने वाली है। आपने जो टाइम बोला है ना डेढ़ माह बहुत ज्यादा बताया है आपने, ये बहुत जल्द ही बच्चे देने वाली है, ये आपको सरप्राइज देगी। अब मुझे तो यार ऐसे लगता है कि इसको टाइम है अभी डेढ़ माह तकरीबन लग ही जाएगा, लेकिन कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं वो कह रहे हैं भाई कि बस जल्दी जल्दी ये बच्चे दे देगी, आप देखिएगा अचानक से सरप्राइज मिलेगा। चलो 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 वहां पर सारे परिंदे अपना दाना खा रहे हैं और यहाँ पर बकरियां बेचारी उतावली हो रही हैं कि हमें कब मिलेगा, क्योंकि इनको पता चल जाता है जब भी हम उधर डालते हैं ना ये ऐसे ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, हमें भी मिलने वाला है, जल्दी दो। अब ये खा रहे हैं, इनको सुकून मिल जाएगा। और ये देखें फाउंटेन डार्क होना शुरू हो गया है, 2 दिन बाद देखिएगा ये गटर बन जाएगा। मैं भी तभी साफ करूंगा जब ये फुल गंदा होगा, ऐसे मैं भी रोज नहीं कर सकता। चलो भाई खाओ मजे करो। जब से मैंने हीटर लगाया ना हमारी मछली ना बहुत ज्यादा खुश हैं, रिलैक्स हैं, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर हम लकड़ी रख रहे हैं। चलो भाई तो अब मैं सिप्टैन का वेट करता हूँ दोस्तों, वो लेने गया हुआ है मोर्टीन स्प्रे। आग लगाने के बाद हम यहाँ पर ना सारा मोर्टीन स्प्रे छिड़क देंगे ताकि इन कोनों में जो भी हशरात होंगे वो भी मर जाएंगे उस स्प्रे से। चलो भाई चलो चलो अब सिप्टैन का वेट है। तो यार स्प्रे लेके मैं आ गया, पहले स्प्रे करें या आग लगाएं? पहले आग लगाते हैं। चलो लगा दो भाई, हमारा लायन देख के परेशान हो जाए कि मेरे घर में आग लगा रहे हैं। खैर है, ये सब इसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसको देखें अभी भी आपको लग रहा होगा इसका एक साइड से सूजा हुआ है, तो उसके लिए दवाई भी लाया हूँ और इसके घर की भी सेटिंग कर रहे हैं जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। डालो पेट्रोल, डाल दो सारा एक जगह पे, बल्कि इधर उधर भी डाल देना, इस जगह पे भी लग जाएगी आग, ये बुरा सारा जल जाएगा ना। बस जल्दी जल्दी करो भाई, सूख जाएगा। हाँ अब बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, आग लगा दो, लायन के घर को आग लगा दो, सारा जंगल जला दो। ओ भाई आराम से, डर क्यों रहे हो यार? वो अचानक से धमाका आएगा, मेरा मुंह जल जाएगा। हाँ हाँ एटम बम आएगा। हाँ बस पूरा भाई जल्दी कर लो भाई। हाँ छोड़ दो, हट जाओ। ओ भाई जल गया। अगर मैं अंदर होता सिप्टैन, फिर अंदर होते तो भाई मैं बाहर होता। ये होता यार, जब तक आग लग रही है ना हम क्या करते हैं लायन को उसकी जो है ना मेडिसिन दे देते हैं, उसको एलर्जी वलर्जी होगी हमने पता कराया। ये आधी देनी है? आधी देनी है ये वाली। अच्छा छुपा दो इसके अंदर। ओ भाई पता लगे भट्टी ना बन जाए। आता खाना तो इसने खाया हुआ है और देखें थोड़ा थोड़ा। हाँ 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 सही है सही है। खा गया गोली खा गया, इसको पता नहीं चला। हो गया अभी हमारा काम हो गया। क्या बात है। तो दवाई तो दोस्तों इसने खा ली है और आज ना हम अपने लायन का नाम रखने वाले हैं। मैंने कमेंट्स पढ़े रात को, इतना ज़्यादा कमेंट्स थे दोस्तों, तकरीबन 24-25 हज़ार भाई अपने अपने नाम बता रहे थे, भाई इसका नाम ये रखें ये रखें। तो काफ़ी भाई एक नाम बार बार कह रहे थे। सत्यान वो कौन सा नाम था? वो नाम था जी मुफासा। जी बिल्कुल मुफासा मुफासा मुफासा, सब भाई ऐसे कह रहे थे भाई इसका नाम मुफासा रख दें। तो मैंने फिर सोचा यार सिप्टैन सब भाई मुफासा की क्या हिस्ट्री है, ये सिम्बा का ना बाप था उसका नाम मुफासा था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने दोस्तों सोचा है कि हम अपने लायन का नाम ना मुफासा रख देते हैं, आज से इसका नाम है मुफासा और प्यार से हम इसको बोलेंगे फासा। आप भी इसको फासा बुला सकते हैं दोस्तों, मुफासा इसका असल नाम है, निक नेम इसका नाम है फासा। तो आज से दोस्तों हम अपने लायन को फासा बुलाएंगे। लगता है यार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है सिप्टैन, ये है ना इसको मसला है, कोई ना कोई मसला है। क्या हुआ क्या हुआ? दर्द होता होगा इसको। नहीं यार कुछ नहीं है, अभी टैबलेट इसको दी है। तो अब दोस्तों हम इसको ना ऐसे छोड़ रहे हैं और थोड़ा सा भागेगा फ्रेश होगा, क्योंकि सुबह से ये ऐसे ही बांधा हुआ था। तो इतना दोस्तों हीट अप काफी है, क्योंकि अब ना हम मुफासा को अंदर बंद करेंगे। तो अब ना अभी हीट बहुत है, यही ना ये सारा कुछ हम बुझा रहे हैं, फिर सारा ये कचरा हम बाहर निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे मोर्टीन स्प्रे करेंगे, फिर अंदर रखेंगे लायन को। काफी टाइम से दोस्तों हम ना अंदर की सफाई कर रहे थे, जितना भी लकड़ी का कचरा था ना हमने सारा का सारा साफ कर लिया है, और एक ट्राली ये है, एक मैं बाहर गिरा के आया हूँ। तो अब हम ना फासा को लेकर आओ सिप्टैन, चलो आ जाओ लेके आओ। तो इसको हम ना अब यहाँ पर बंद कर देंगे और यहाँ पर ना दोस्तों अब
आराम से ये रहेगा। अब ज्यादा यहाँ पर सर्दी भी नहीं है, ऐसे गर्मी गर्मी सी फील हो रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आग जली थी ना। चल भाई, इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी कीड़े मकोड़े होंगे मर जाएंगे। तकरीबन दोस्तों आधे घंटे के बाद हम फासा को ना इसके घर में शिफ्ट कर रहे हैं। स्प्रे मैंने छिड़का था ना, जिसकी वजह से फिर हमने थोड़ा सा वेट किया, तो अब फासा को ना अब रात का टाइम हो गया, हम बंद कर रहे हैं। यार एक बोटी लाया हूँ, इसके जरिए शायद अंदर जाए, क्योंकि रात है ना, इसको नजर नहीं आ रहा कुछ। हाँ, इसको आ जा, इसको सुंघाओ ना। अंदर 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 अंदर, फेंकने नहीं है, फेंकने नहीं है, लेके जाओ अंदर, लेके जाओ। मुझे डरा दिया, जूते मैं अंदर छोड़ के आ गया। भाई आज फासा बहुत ज्यादा गुस्से में था, एक तो हमारा पहला एक्सपीरियंस है और ये बीमार हो गया थोड़ा सा ना, जिसकी वजह से करीब नहीं आने दे रहा हमें, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। अभी मैं मेरे को ऊपर झपट्टे भी मार रहा था अभी, कभी अंदर चले गए। इसकी आवाज भी काफी चेंज है यार सिप्टे, पहले अच्छी वाली आवाज थी, अब जो आवाज निकाल रहे हैं ऐसे गुड़ा के डरावनी आवाज है ऐसे। और एक बात बताऊं, मुझे जूता मिल गया मेरा, यहां पर था। तो अभी यार आज रात दुआ करेंगे बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाए, जैसे पहले था ना, खेलता था हमारे साथ, आज नहीं खेल पाया सही से, दुआ करेंगे कल ठीक हो जाइए। अच्छा यार, मिनी जू में लाइटिंग कब करानी है? तो आप सेफ्टी रूम बन जाए फिर, अच्छा एक साथ फिर लाइटिंग करेंगे। ओके ओके ओके, अब इसको कवर करते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाली तरपार ऊपर डाल देते हैं ताकि हवा की क्रॉसिंग ना हो और हमारे मुफासा को ठंड ना लगे। वो देखो आराम से लेटा हुआ है, ठीक है। ये देखिए लाइटें मार रहे हैं, इसकी आंखें जो है वो बड़ा खतरनाक लग रहा है। खैर अभी सो रहा है, तंग नहीं करते इसको। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको लायन का नाम कैसा लगा है, निकनेम हमारा फासा है, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।